किशोरावस्था उम्र ही ऐसी है जिसमें दो प्रेमियों को अपना प्यार ही पूरी दुनिया लगता है और घर परिवार अपना जानी दुश्मन। अगर कोई हंस कर दो मीठी बातें भी कर ले तो उसे उस इंसान से प्यार हो जाता है। ऐसी ही ये लव स्टोरी है मुंबई के सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ने वाले चार दोस्त ऋचा, अनिरुद्ध, नव्या और भौमिक की। ये चारों एक ही क्लास में पढ़ा करते थे और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई उन चारों को पता ही नहीं चला। ऋचा और अनिरुद्ध एक दूसरे के होमवर्क और पढ़ाई में मदद करते हुए कब एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला और आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार भी हो गया। पर इस बात से अनजान नव्या और भौमिक भी उन दोनों के लिए फीलिंग्स रखते थे। अनिरुद्ध ऋचा को बहुत पसंद करता था। अनिरुद्ध एक दिन अपने मन में सोचते हुए, आज तो मैं ऋचा को अपने दिल की बात बताकर ही रहूंगा। क्लास खत्म होते ही छुट्टी हो जाती है। तभी ऋचा घर जाने लगती है तो अनिरुद्ध उसको रोकते हुए कहता है, ऋचा मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। इसके बाद जब सभी क्लास से बाहर चले जाते हैं तो अनिरुद्ध ऋचा को अपने दिल का हाल बताता है। ऋचा मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। हाँ कहो ना अनिरुद्ध, क्या बात है? हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बिना बोले भी हम दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स पता है, लेकिन अगर फिर भी तुम मेरा आंसर जानना चाहते हो तो सुनो। यस आई लव यू टू, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। ये कहकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर ऋचा अनिरुद्ध से कहती है, अनिरुद्ध अभी हमारे रिश्ते की शुरुआत है तो मुझे लगता है अभी हमें अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन नव्या और भौमिक तो हमारे अच्छे दोस्त हैं, उन्हें तो हम बता ही सकते हैं। नहीं अभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसे ही समय बीतता रहता है। उन दोनों का प्यार दिन पर दिन परवान चढ़ता है। मौका मिलते ही कभी वो खाली क्लासरूम में जाकर एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते तो कभी सबकी नजरों से छुपते छुपाते एक दूसरे को किस और हक करते। एक दिन भौमिक के पेरेंट्स शहर से बाहर गए हुए होते हैं। तभी भौमिक अपने दोस्तों से कहता है, अच्छा लिसन, मेरे पेरेंट्स एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो मेरे घर पर कोई नहीं होगा। ऐसा करते हैं कल हम सब क्लास बंक करेंगे और मेरे घर पर पार्टी करेंगे, कैसा प्लान है दोस्तों? प्लान तो बहुत अच्छा है। क्या कहती हो ऋचा? नव्या तुम दोनों आ रही हो ना? या डेफिनेटली, ऑफ कोर्स मैं भी आ रही हूँ। अगले दिन वो चारों स्कूल बंक करके भौमिक के घर जाते हैं और पार्टी के लिए वाइन और स्नैक्स लाते हैं। भौमिक अपने मन में सोचता है, आज तो मैं ऋचा को प्रपोज करके रहूंगा। उधर नव्या भी वाइन पीते पीते अनिरुद्ध को ही निहारी जा रही थी, आज तो मैं अनिरुद्ध से अपने प्यार का इजहार करके ही रहूंगी। वो सभी म्यूजिक चलाकर और हाथों में वाइन का गिलास लेकर पार्टी एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध ऋचा को इशारा करके अकेले में मिलने के लिए कहता है। ऋचा जानबूझकर अपने कपड़ों पर वाइन गिराते हुए कहती है, ओह नो मेरी ड्रेस, मैं अभी इसे साफ करके आती हूँ। हाँ रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प के लिए आता हूँ। फिर वो दोनों दूसरे रूम में जाकर एक दूसरे से अकेले में मिलते हैं और एक दूसरे को किस और हक करने लगते हैं और धीरे धीरे अपनी सारी हदें भूल जाते हैं। काफी देर होने पर भी जब वो दोनों नहीं आते तो भौमिक कहता है, यार ये दोनों कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। चलो चलकर देखते हैं। नव्या और भौमिक उनको देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब होते हैं। ये देखकर भौमिक और नव्या का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो बाहर आकर एक प्लान बनाते हैं। नव्या मैं जानता हूँ कि तुम अनिरुद्ध से बहुत प्यार करती हो, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरी ऋचा। ये कैसे पॉसिबल है भौमिक, वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो फिर हमें हमारा प्यार कैसे मिलेगा? नव्या तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरा साथ देती जाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जैसा भौमिक ने सोचा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने अनिरुद्ध और ऋचा के बीच गलत फहमी पैदा करना शुरू कर दिया। एक दिन अनिरुद्ध ऋचा का इंतजार कर रहा था, तभी भौमिक वहां आकर उससे पूछता है, क्या हुआ अनिरुद्ध, किसी का वेट कर रहे हो? हाँ यार कब से ऋचा का वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक आई नहीं। लेकिन मैंने तो उसे हमारी क्लास के तरुण के साथ कार में जाते हुए देखा था। नहीं नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं यार ऋचा मेरी बचपन की दोस्त है और उसे तो मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। हाँ लेकिन अगर फिर भी तुझे मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है तो तू जाकर नव्या से पूछ सकता है। फिर अनिरुद्ध जाकर नव्या से पूछता है। नव्या भी अनिरुद्ध को वही बताती है जो भौमिक ने उसे कहने के लिए कहा था, हाँ मैंने भी ऋचा को तरुण के साथ कार में जाते हुए देखा था। ये सब सुनकर अनिरुद्ध आग बबूला हो जाता है और ऋचा को फोन लगाता है। कहाँ हो तुम? कुछ
कुछ नहीं, मैं किसी काम से तरुण के साथ आई थी। आखिर ऐसा कौन सा काम आन पड़ा जो तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अनिरुद्ध, मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ दिनों तक अनिरुद्ध ऋचा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। इन सबसे परेशान होकर एक दिन ऋचा अनिरुद्ध के घर जाकर उससे कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई अनिरुद्ध जो तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? मुझे ये जानना है कि तुम तरुण के साथ कार में क्यों गई थी। मुझे नव्या ने बोला था तरुण के साथ जाने के लिए, उसे तरुण से कुछ बात करनी थी तो मैं उनकी मदद कर रही थी। ऋचा तुम कब से झूठ बोलने लगी? नव्या तो वहां मेरे साथ ही थी, अगर उसे तरुण से कुछ काम होता तो वो खुद ही मुझसे कह देती। वैसे भी इतना झूठ सुनने के बाद अब मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। हमें अपना रिश्ता यही खत्म कर देना चाहिए। अनिरुद्ध, बिना सच जाने तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा ना हो बाद में तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना पड़े, और अगर किसी रिश्ते में प्यार और ट्रस्ट ही ना हो तो वो रिश्ता ज्यादा नहीं चल सकता, और हमारे रिश्ते में भी प्यार और ट्रस्ट खत्म हो चुका है। ये कहकर ऋचा वहां से चली जाती है। ऋचा और अनिरुद्ध एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे। जैसा भौमिक और नव्या ने सोचा था वैसा ही हो गया था, पर इन सब के बावजूद भी वो दोनों खुश नहीं थे। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि ऋचा और अनिरुद्ध को अलग करने के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। फिर भौमिक नव्या से कहता है, नव्या, मुझे लगता है हमने अनिरुद्ध और ऋचा को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों को तो अपने प्यार का एहसास हो गया, लेकिन वो दोनों अलग हो गए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भौमिक, अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। अगले दिन भौमिक और नव्या जाकर अनिरुद्ध और ऋचा को सारी सच्चाई बता देते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने अट्रैक्शन को अपना प्यार समझ लिया, और उस प्यार को पाने के लिए उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी। पहले तो अनिरुद्ध और ऋचा दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम दोनों के बचपने के चक्कर में हम दोनों पर कितना कुछ गुजरा है, इस बात का तुमको एहसास भी नहीं होगा। पर तुमसे भी क्या कहूं, जब मैं खुद ही अपने प्यार को नहीं समझ पाया। मेरा प्यार इतना कमजोर था कि वो हवा के छोटे से झोंके की वजह से बिखर गया। यार इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती हमारी है यार, हमें माफ कर दे भाई। प्लीज यार, अब तुम दोनों जाओ यहां से। नहीं, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, हमने गलती की है तो उसे सुधारेंगे भी हम ही। तुम दोनों भी जानते हो कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। इतने दिन से अलग हो लेकिन फिर भी एक दूसरे की कितनी परवाह करते हो। कोई तुम दोनों के खिलाफ कुछ गलत कह दे तो उसे तुम सुना देते हो, तो अपने प्यार को एक और मौका दे दो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों को एहसास होता है कि प्यार तो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, इसलिए वो उन दोनों को माफ कर देते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे से भी माफी मांग लेते हैं। नव्या और भौमिक भी अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर देते हैं, और इस तरह उन चारों की लव स्टोरी पूरी